नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन का कंपैरिजन वीवो V90 स्मार्टफोन के साथ करके बताएंगे कि इन स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा और कौन से स्मार्टफोन में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि सबसे पहले बात करें सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ 6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। वही अगर दोस्तों बात करें वीवो V90 स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 1080x2340 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। और दोस्तों, यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन में आपको सैमसंग का ही इनोज 9611 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों वीवो V90 स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसी के साथ यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज के बारे में, तो सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। वही अगर दोस्तों बात करें वीवो V90 स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज के बारे में, तो इसमें आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल पर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यदि बात करें सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और इसके बैक पैनल पर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल का लेंस कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और वही अगर दोस्तों बात करें वीवो V90 स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है और इसके बैक पैनल पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का लेंस कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन में आपको 6000mAh की बैटरी मिलती है, जबकि वीवो V90 स्मार्टफोन में आपको 4200mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत इंडियन मार्केट में 15,000 रुपये के करीब रखी गई थी, जबकि वीवो V90 स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत लगभग 29 से 30 हज़ार रुपये के करीब रखी जा सकती है। तो दोस्तों, यदि आपका बजट कम है और आप अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो आप सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया और अच्छे फीचर दिए गए हैं और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो यदि आपका बजट कम है तो आप सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, और यदि आपका बजट ज़्यादा है और आप ज़्यादा क्वालिफिकेशन के साथ स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो आप वीवो V90 स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको ज़्यादा बढ़िया बढ़िया और अच्छे फीचर्स दिए गए हैं और इसमें आपको रैम और स्टोरेज भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया और कौन से स्मार्टफोन में आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।